जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है जी, हमारे पास हमने आउटपुट को डिटरमाइन करना है कि बेसिकली हमारे पास आउटपुट क्या आती है। चार डब्ल्यू वन एक वेरिएबल, डब्ल्यू टू सेकेंड, डब्ल्यू थ्री हमारे पास क्या है थर्ड वेरिएबल है। ठीक है, डब्ल्यू वन के अंदर कैपिटल ए स्टोर है, डब्ल्यू टू के अंदर कैपिटल बी, डब्ल्यू थ्री के अंदर हमारे पास क्या है कैपिटल सी स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट एफ मॉड सी डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, ये जो हमारे पास क्या डबल कोटेशन है, डबल कोटेशन के अंदर जहाँ भी फॉर्मेट स्पेसिफायर के अलावा कोई चीज़ होगी उसको हम सेम एज वैसे ही प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, मॉड सी डब्ल्यू वन, डब्ल्यू वन के अंदर क्या मौजूद है ए, पहले हमारे पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या मॉड सी डब्ल्यू टू, उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है हमारे पास बी, तो सेम एज हमारे पास क्या आ जाएगा बी वैसे आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू थ्री इक्वल टू हमारे पास क्या सी, लेकिन यहाँ पे अगर मॉड सी होता डब्ल्यू थ्री इस कोमा के बाद होता बाहर होता फिर हम उसको सी लिखते। ठीक है, डब्ल्यू थ्री हमारे पास डबल कोटेशन में है तो ये सेम एज डब्ल्यू थ्री हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, आपने ये गलती नहीं करनी कि डब्ल्यू थ्री की जगह पे आप सी लिखते हैं। आगे हमारे पास क्या जी फाइव कॉलम्स के अंदर आपने शो करवाना है। ठीक है, हमारे पास राइट साइड पे राइट है, ठीक है, और लेफ्ट जस्टिफाइड का सिंबल नहीं है। कॉलम वन, ठीक है, टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है, अब पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, एक आ गया, इशारिया आ गया, बाकी हमारे पास क्या आ गया थ्री। तो अब इसकी जो आउटपुट आएगी दो हमारे पास इस तरह आपने स्पेसिस बनानी है। ठीक है, जब से आप पेपर के ऊपर जब लिखोगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है थ्री पॉइंट वन, ये इसकी आ गई। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या सिक्स कॉलम्स के अंदर शो करवा रहे हैं हम इसको। तो आपने इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाने हैं, छः कॉलम्स बनाने हैं, एक दो तीन चार और ये पाँच, और लास्ट हमारे पास क्या है छः। 60 है ये 2 0। ठीक है, अब पहले हमारे पास क्या है सेम एज आपने जब आउटपुट लिखोगे इस तरह चार आपने बॉक्सेस बना देने हैं। ठीक है, फोर बॉक्सेस के बाद आप क्या करोगे टू और हमारे पास क्या है नेक्स्ट 20। अगर माइनस का सिंबल होता है इसके साथ, ठीक है, मॉड के बाद यहाँ पे लिखा होता मॉड माइनस 6d, तो फिर आपने इसको 6d लिखा होता तो आपने 20 को यहाँ पे इस जगह पे डिस्प्ले करवा देना। बाकी हमारे पास क्या स्पेसिस हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कहता जी पॉइंट थ्री। ठीक है, पॉइंट थ्री से मुराद हमारे पास क्या है, आपके पास एक ही कॉलम के अंदर आपने इस तमाम वाली वैल्यू को शो करवा देना है, लेकिन इशारिया के बाद आपने कितने लिखने हैं 3 डिजिट तक लिखना है, 141। ठीक है, अगर आपको फील्ड विड्थ नहीं दी गई तो आप इसको एक ही कॉलम के अंदर लिख दोगे, लेकिन इशारिया के बाद आप 3 डिजिट तक जो बताई गई है वैल्यू वहां तक लिखोगे। एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 30। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, 10 प्लस 20 हमारे पास क्या गया 30x के अंदर स्टोर हो गया। वाई इक्वल टू वाई प्लस जी, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है। ठीक है, जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 है, 20 नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस 30, जी की वैल्यू हमारे पास क्या आंसर आ गया 50। क्या स्टोर होगा आंसर वाई के अंदर 50। ठीक है, एक्स के अंदर हमारे पास जो स्टोर हुआ है वो 30 है, वाई के अंदर क्या है 50 है। अब हमने क्या लिखा है एक्स माइनस वाई, अब एक्स की वैल्यू हमारे पास 30, ठीक है, पहले 10 थी, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। ठीक है, 30 माइनस हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा 50। ठीक है, जब 30 माइनस 50 है तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा मॉड डी, पहले एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारे पास 30 है, 30 को आप सेम एज लिख दोगे, फिर मॉड डी वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 50 है तो हम इसको सेम एज लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या है माइनस 20 है, तो ठीक है इसको सेम एज माइनस 20 हम इसको प्रिंट करवा देंगे। नेक्स्ट है जी एक्स इक्वल टू 5 है, वाई इक्वल टू क्या है एक्स प्लस प्लस, वही बात आ गई जी, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले आप क्या करोगे जी वाई इक्वल टू एक्स होगा, फिर क्या होगा जी एक्स के अंदर प्लस प्लस होगा, उसके बाद एक्स में क्या होगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बाद हम प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, वाई एक्स इक्वल टू 5 है, एक्स की वैल्यू जब वाई को साइन करवाई तो वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5 होगी, फिर एक्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया 6। अब पहले एक्स की वैल्यू क्या है 6 है, देन वाई की वैल्यू है हमारे पास 5, ये हमने डिस्प्ले करवा देंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू के अंदर 5 थी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई 6, लेकिन
कि वाई की क्या होगी, फाइव होगी। तो ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जी आपने एरर फाइंड करना है। ठीक है, एरर पहली लाइन में हमारे पास जो एरर है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हैश का सैम्बल, इन फर्स्ट लाइन हैश सैम्बल इज़ मिसिंग, और आई हमारे पास स्मॉल आएगा, stdio डॉट एच। आप स्मॉल में आ जाए या लोअर में आ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कंपाइलर पे रन करके देख सकते हैं। वाइड मेन में वी जो है ये हमारे पास स्मॉल में आएगा, मेन के बाद जो हमारे पास क्या है सेकेंड लाइन पे सेमी कॉलन यूज़ नहीं होता। प्रिंट एफ में पी इसका स्मॉल आएगा, ठीक है, पाकिस्तान, बाकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है ठीक है। इसी तरह हमारे पास वाइड मेन जो स्टेटमेंट लिखी हो उसके मुताबिक ही आपने एरर बताने हैं। ये नहीं करना कि जी आपने यहाँ पे शुरू से कर दें जी हाफ हैश इंक्लूड ये चीज़ मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, नहीं। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ लाइन है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट लाइन में वी कैपिटल है, ठीक है, वाइट का, उसके बाद मेन, ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन ओके है, ठीक है। थर्ड लाइन में प्रिंट एफ, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो पैरेंथेसिस के दरमियान में मैसेज लिखा है ओके जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, तो इसके ये डबल कोटेशन हमारे पास क्या है मिसिंग है, क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट्स के दरमियान जो पैरेंथेसिस होती हैं उनके दरमियान जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमारे पास किस में होती है, डबल कोटेशन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, वाइड मेन वी स्मॉल आएगा, सेमी कॉलन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। इंट, इंट का आई जो है वो यहाँ पे हमारे, हमने क्या यूज़ करना है, स्मॉल यूज़ करना है, एक्स इक्वल टू 20 या वाई इक्वल टू 35 है, ये हमारे पास क्या है गलत है, क्योंकि डेटा टाइप इंट है लेकिन हम उसको वैल्यू क्या असाइन करवा रहे हैं, फ्लोट करवा रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमारे पास मॉड एफ, मॉड एफ, मॉड एफ यूज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो इनको आपने किससे रिप्लेस करना है, मॉड डी से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि डेटा टाइप हमारे पास क्या है इंट है। नेक्स्ट क्या है एक्स है, ठीक है, एक्स को हमने डिक्लेयर किया है, वाई को डिक्लेयर किया है, जी हमारे पास क्या है वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है जी, ये आपका लेक्चर एंड हो गया। नेक्स्ट जी, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर देना जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।